वाराणसी की ज्ञानव्यापी और मथुरा की ईदगाह मस्जिद के बाद अब कुतुब मीनार का मामला भी कोर्ट पहुंच गया है। कुतुब मीनार में पूजा के अधिकार को लेकर दिल्ली के साकेत कोर्ट में एक याचिका डाली गई। याचिका में 27 जैन और हिंदू मंदिरों के जीर्णोद्धार की मांग की गई। याचिकाकर्ता परिसर में पूजा का अधिकार मांगने की मांग कर रहे हैं। हालांकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसका विरोध किया। कोर्ट में दाखिल हलफनामे में एएसआई ने कहा कि कुतुब मीनार एक निर्जीव स्मारक है और इस पर किसी भी धर्म पूजा पाठ के लिए दावा नहीं कर सकता। एएमएएसआर एक्ट 1958 के तहत किसी भी निर्जीव इमारत में पूजा शुरू नहीं की जा सकती। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अपने 27 जनवरी 1999 के आदेश में ये बात कही। आखिर कुतुब मीनार से जुड़ा विवाद है क्या? क्या ये सच में हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया? कुतुब मीनार के अंदर पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग क्यों हो रही है? कुतुब मीनार का इतिहास क्या कहता है? मीनार के अंदर क्या है? आइए जानते हैं। कुतुब मीनार को लेकर मौजूदा विवाद क्या है? एएसआई के पूर्व रीजनल डायरेक्टर धर्मवीर सिंह शर्मा ने हाल ही में दावा किया कि कुतुब मीनार को राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उनके मुताबिक ये मीनार सन टावर है जिसे 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के विक्रमादित्य ने बनवाया था। उन्होंने कहा कि ये मीनार 25 इंच झुकी हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे सूर्य का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था। इस क्षेत्र को विष्णुपद पहाड़ी के रूप में जाना जाता था, जहां उस समय के अवशेष हैं जब चौहान, तोमर, प्रतिहार राज्यों ने शासन किया था। 21 जून को जब सूर्य आकाश में जगह बदलता है तो भी कुतुब मीनार की उस जगह पर आधे घंटे तक छाया नहीं पड़ती। यह विज्ञान और आर्कियोलॉजिकल फैक्ट है। इसके दरवाजे नॉर्थ फेसिंग है ताकि इससे रात में ध्रुव तारा देखा जा सके। इससे पहले 10 मई को हिंदू संगठन के नेताओं ने मीनार में हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था। हालांकि इसके पहले ही इन्हें हिरासत में ले लिया गया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ कर दिया जाए। विश्व हिंदू परिषद का भी दावा है कि 73 मीटर ऊंचा स्ट्रक्चर विष्णु स्तंभ था। वीएचपी ने के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने दावा किया कि ऐतिहासिक स्तंभ हिंदू शासक के समय में भगवान विष्णु के मंदिर पर बनवाया गया था। बाद में मुस्लिम शासकों ने 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर इसके कुछ हिस्सों का पुनर्निर्माण करवाया और नाम बदलकर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कर दिया। दरअसल मीनार की दीवारों पर सदियों पुराने मंदिरों के अवशेष साफ दिखाई पड़ते हैं। इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और मंदिर की वास्तुकला मौजूद है। इसे मीनार के आंगन में साफ देखा जा सकता है। मीनार के अंदर भगवान गणेश और विष्णु की कई मूर्तियां हैं। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख है। इसमें प्रयुक्त खंभे और अन्य सामग्री 27 हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त करके प्राप्त की गई थी। इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि यह मंदिर का हिस्सा है। ये जो मंदिर थे ये वही थे या आसपास में कहीं थे। इस पर लंबे समय से चर्चा होती रही। हालांकि इतिहासकार बी एम पांडे की राय इस पर अलग है। उन्होंने कुतुब मीनार पर एक पुस्तक लिखी है। इसका नाम कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स है। इसमें वह लिखते हैं, जो मूल मंदिर थे वो यही थे। यदि आप मस्जिद के पूर्व की ओर से प्रवेश करते हैं तो वहां जो स्ट्रक्चर है वो असल स्ट्रक्चर है। मुझे लगता है कि असल मंदिर यही थे। कुछ इधर उधर भी रहे होंगे जहां से उन्होंने स्तंभ और पत्थर के अन्य टुकड़े लाकर इनका इस्तेमाल किया। भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार दिल्ली के महरौली इलाके में छतरपुर मंदिर के पास है। यह विश्व धरोहर में शुमार है, जिसका निर्माण 12वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में कई अलग अलग शासकों द्वारा करवाया गया था। इसकी शुरुआत 1193 ईस्वी में दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ने मीनार की नींव रखी, इसका बेसमेंट और पहली मंजिल बनवाई। कुतुबुद्दीन के शासनकाल में इसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया। इसके बाद कुतुबुद्दीन के उत्तराधिकारी और पोते इल्तुतमिश ने मीनार की तीन और मंजिलें बनवाई। साल 1368 ईस्वी में मीनार की पांचवी और अंतिम मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। कहा जाता है कि 1508 ईस्वी में आए भयंकर भूकंप की वजह से कुतुब मीनार काफी क्षतिग्रस्त हो गई। तब लोदी वंश के दूसरे शासक सिकंदर लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई थी। इस मीनार के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और मार्बल का इस्तेमाल किया गया। इसके अंदर गोल गोल करीब 379 सीढ़ियां हैं। कुतुब मीनार में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की हालात को लेकर राज्यसभा के पूर्व सांसद और भाजपा नेता तरुण विजय ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पत्र लिखा था। उन्होंने कुतुब मीनार परिसर में भगवान गणेश की उल्टी प्रतिमा और एक जगह उनकी प्रतिमा को पिंजरे में बंद होने की बात कही थी। विजय ने कहा था कि ऐसा करके हिंदू भावनाओं को अपमानित किया जा रहा है।
विजय ने इन प्रतिमाओं को राष्ट्रीय संग्रहालय में रखवाने की मांग की थी। इसके पहले पिछले साल दिल्ली की एक अदालत में एक याचिका दायर हुई थी। इसमें मांग की गई थी कि जिन 27 मंदिरों को तोड़कर ये कुतुब मीनार बनाया गया था उनका जीर्णोद्धार कराया जाना चाहिए। याचिका हिंदू देवता भगवान विष्णु, जैन देवता तीर्थकार भगवान ऋषभदेव और अन्य की ओर से दायर की गई थी। दीवानी न्यायाधीश नेहा शर्मा ने कहा, याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्होंने बोला कि इस बात से सहमत हूं कि अतीत में कई गलतियां हुई हैं, लेकिन ऐसी गलतियां हमारे वर्तमान और भविष्य की शांति भंग करने का आधार नहीं हो सकती। इसके बाद कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, कारू न्यूज़।